घोष कंपनी चौराहा स्थित हट्टी माई मंदिर के पास राइज अपार्टमेंट के पार्किंग में एक कार में आग लग गई, जिससे आग के कारण पूरे बिल्डिंग में धुआं भर गया। काफी लोग बिल्डिंग के अंदर फंसे हुए थे, जिसके संबंध में मुख्य अग्निशमन अधिकारी डीके सिंह ने बताया कि सूचना मिली थी कि घोष कंपनी हट्टी माई मंदिर के पास एक कार में आग लग गई है। तब मौके पर दो गाड़ियां लेकर मैं खुद पहुंचा। आग के कारण पूरे बिल्डिंग में धुआं भर गया था और एक ही सीढ़ी होने से धुआं भर जाने से सीढ़ी अवरुद्ध हो गया था, जिससे काफी लोग बिल्डिंग के अंदर फंसे हुए थे। कार पार्किंग स्थल पर लोहे के पिंजरे में दो कुत्ते भी फंसे हुए थे। मेरे सहयोगी कर्मियों ने बीए सेट पहनकर बिल्डिंग के अंदर जाकर सभी लोगों का रेस्क्यू करते हुए ऊपर छत पर पहुंचाया तथा आग को पूरे भवन में फैलने से रोकते हुए पूर्ण रूप से बुझा दिया गया। उन्होंने बताया कि गाड़ी के अलावा किसी प्रकार की हानि नहीं हुई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य अग्निशमन अधिकारी डीके सिंह ने कहा, दरवाजा थोड़ा बंद करना पड़ेगा। हटो पीछे, हट जाओ सब लोग। बढ़ेगा अभी, हट जाओ पीछे। टंकी में आग बुलाई था भाई, जा रही है कंपनी तो मना कर दी। हाँ, कल एक घोष चौराहे के पास में हट्टी माई मंदिर के पास में सूचना मिली थी कि एक कार में आग लगी है, और हम लोग पहुँचे मौके पे। वहाँ पे दो गाड़ी लेकर मैं स्वयं पहुँचा तो एक 6 मंजिला मकान था, कार पार्किंग थी। कार में आग लग जाने के कारण जो कार खड़ी थी वो जीने के पास था, और एक ही जीना था। पूरे भवन में बिल्डिंग में जो है धुआं भर गया था और लोग उसमें फंसे हुए थे, क्योंकि जीना धुएं और आग से अवरुद्ध हो गया था, जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। मैं स्वयं और एक अपने सहयोगी के साथ, निर्भय के साथ, ब्रीदिंग ऑपरेटर्स दो लोग पहन के अंदर, हम लोग अंदर घुस गए, और जितने लोग उसमें फंसे थे सभी को सुरक्षित छत पर हम लोग ले गए बाहर, सुरक्षित जहाँ खुली हवा में उनको, और जहाँ पे कार पार्किंग थी उसी के ऊपर दो छत्ती में एक पिजड़ा टाइप का लोहे का बड़ा बना हुआ था, उसी के ऊपर घेर के दो छत्ती के ऊपर, उसमें दो कुत्ते बंधे हुए थे, जिनको हम लोगों ने लोहे को उसको काट करके, और एक कुत्ता जो बड़ा वाला लैब्राडोर था उसको छत के ले गए क्योंकि जो जेल के पास आग और धुआं था, और जो छोटा वाला था उसको हम लोगों ने गोदी में उठाकर बाहर ले आए। इसलिए दो बेजुबान जानवरों को भी सुरक्षित बचाया गया और उसमें फंसे लोगों को भी सुरक्षित बचाया गया। काफ़ी लोग घबरा गए थे, आसपास आग फैलने की संभावना थी, हम लोगों ने उसको फैलने से रोक दिया गया। घुसने के बाद आग को एकदम सीमित रखा गया, जिससे
किसी प्रकार का कोई जनहान नहीं हुई और नुकसान भी केवल कार के अलावा पूरे भवन को सुरक्षित बचा लिया गया। आग लगने के कारण जो हम लोगों ने जानकारी किया उनके द्वारा बताया गया कि अभी थोड़ी देर पहले हम कार ड्राइव करके लाए थे और कार पार्किंग किया और मैं ऊपर गया, थोड़ी देर बाद उसमें आग लग गई, तो संभवतः जो है कि उसका स्विच पूरी तरीके से अभी ऑन रही होगी और हीट की वजह से और शॉर्ट सर्किट गर्मी की वजह से शॉर्ट सर्किट होने से आग उसमें लगने की संभावना है। नुकसान कार के अलावा बाकी पूरे भवन को सुरक्षित बचा लिया गया, कार के अलावा बाकी नहीं, कार का ही नुकसान हुआ है सिर्फ वही, बाकी सारे आसपास के भवन और जिसमें कार पार्किंग थी पूरे भवन को सुरक्षित बचा लिया गया, उसमें फंसे लोगों को भी सुरक्षित बचा लिया गया।